आदि पुरुष जैसी मूवी को भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अगर मूवी जेन्युइनली अच्छी निकलती है। सिर्फ वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि फाइनल बैटल ठीक ठाक रहा तो भी काम चल जाएगा, मगर इफ क्रिएटिव चॉइसेस भी थोड़ी अच्छी रही, क्लाइमेक्स थोड़ा हेवी और सीरियस रखने का सोचा हो। वैसे मुझे पता है कि बच्चों को ध्यान में रखकर डायरेक्टर ने मूवी बनाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ डायलॉग्स को सुनकर लगता है कि माहौल बनाने का ही इरादा है। बस उम्मीद यही है ये इरादा ही ना रह जाए, क्योंकि क्रिएटिव चॉइसेस से मेरा मतलब ये था कि जैसे ये देखो, अब थोड़ा अजीब लगा मुझे ये सीता माँ का हरण इस तरह से दिखाना। इसी तरह की कई और भी क्रिएटिव चॉइसेस है जिसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा किया ही नहीं जा रहा यार। अब जैसे रावण का कैरेक्टर ले लो, हम सब में से शायद ज्यादातर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक राक्षस है, कोई पिक्चर का गुंडा नहीं, हरामी और ईवल है, पर साथ में चीजों की समझ भी बहुत है उसे, स्टिल विलेनियस है बंदा, पर ये एक्सप्रेशन वो सब महसूस नहीं करवाता। सैफ अली खान के रावण को जिसे छुपाया जा रहा है, सबको अंदाजा लग गया है कि बाल दाढ़ी नहीं छुपाए जा रहे उनसे, स्टिल उम्मीद तो है अभी भी गानों की वजह से। उनका आने लेने तो मैं जरूर जाऊंगा थिएटर में देखने।